का नमकीन हो जाए। तो चले आए, आज हम आपको थोड़ी स्वीट्स भी बनाना सिखा रहे हैं, मिठाइयाँ। तो अब हम आपको सिखा रहे हैं चॉकलेट रोल बर्फी बनाना, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चले आए, हम आपको सिखाते हैं चॉकलेट रोल बर्फी कैसे बनेगी। चॉकलेट रोल बर्फी के लिए चाहिए होगा हमको 250 ग्राम खोया वाइट वाला, 200 ग्राम चीनी, पीसी भी ले, साबुत लेने, 2 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर, या फिर हस्बे ज़रूरत देखेंगे कि कितना हमें कलर चाहिए। 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी, 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर, 1/4 टी स्पून केवड़ा एसेंस और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। सही है, तो बहुत आसान। तो चले आए बनाते हैं। सबसे पहले हमने घी ले लिया, इसमें हमारा खोया, साथ ही चीनी ऐड कर दें और ये हमारा इलायची पाउडर। सही जी, बहुत आसान, जल्दी बनने वाला। चलिए आए इसको पकाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि आँच के ऊपर हमने इसको पकाना है। आपको पता है मिठाई कोई भी चीज़ बनाएंगे आप तो उसके लिए बिल्कुल हल्की आँच चाहिए होती है। सही जी, ये बिल्कुल सिलो आँच कर दी हमने और इस पर हमने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि चीनी आपकी मेल्ट हो जाए और खोया भी आपका मेल्ट हो जाए। तो तरीका कार तो वही होता है मगर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, वो हम आपको बताते रहेंगे। ये देखें, इसको नीचे लगने नहीं देना है, रोकना नहीं है हाथ, और इसको चलाते रहना। मुख्तलिफ कलर में बना सकते हैं इसको, चॉकलेट रोल भी बना सकते हैं, पिस्ता रोल बना सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आप रोल्स इसके बना सकते हैं, तो जो बहुत ही खाने में भी मज़ेदार होते हैं और बच्चे और सब बड़े सब शौक से खाते हैं। तो सही, हम इसको मेल्ट करते हैं। इसी तरह आपने देखे बिल्कुल स्लो आँच है, स्लो आँच पर आपने मेल्ट करना है इसको अच्छी तरह, चीनी और खोए को मेल्ट करें, फिर हम आपको दिखाते हैं। सही जी, ये देखिए मेल्ट हो रहा है, इसको हमने इस तरह मिलाते जाना। ये देखिए हम, ये नीचे से ऊपर, साइडों से उतारता रहना, घुमा भी दिया इसको। अभी इसके अंदर चीनी का दाना है, अभी हम इसको पकाएंगे। जब चीनी का दाना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर जब बबल्स आने लगेंगे तो फिर हम इसको रोक देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने इसको इतना पकाया है हल्की आंच पे कि इसका दाना भी मेल्ट हो गया चीनी का और खोया भी मेल्ट हो गया। देखें बबल्स आने शुरू हो गए। इसको बस एक दो मिनट हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका। हाथ रुकेगा तो ये कलर चेंज कर देगा, ब्राउन हो जाएगा। देखें जी, सीधो ही आँच रखनी है हमने और इसको अच्छी तरह बबल्स आने शुरू हो गए। बस समझे अभी आपका तैयार है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम फिर आपको दिखाते हैं इसको क्या करें। ये बबल्स आने के बाद हमने इसको उतार लिया और अब इसके अंदर अच्छी तरह ये मारेंगे और इसको, ये देखें यहाँ, और इसको इतना फेंटना है कि ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा। जमना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके रोल बनाएंगे। तकरीबन 5-10 मिनट आप इसमें इसको ऐसे ही फेंटते रहें। 4 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है और 10 मिनट में भी। जितनी जल्दी फेंटेंगे उतना अच्छा होगा और उतना ठंडा होगा। तो फिर हम आपको चॉकलेट बर्फी रोल बनाना सिखाएंगे। देखें बीच में होने लग गया, पंखा चला लें आप ऊपर से और इस तरह इसको फेंटते रहें। हवा लगेगी पंखे की तो ये ठंडा होना शुरू हो। हमने भी पंखा चला लिया
भाई ये देखें जैसे जैसे हवा लगेगी वैसे वैसे ये सब को हवा लगी पूरा तो सब तो होना शुरू हो गया। उसको फेंकते जाना बहुत देर अभी तो सख्त हो जाएगा सख्त होना शुरू हो गया। ये कि मिठाई में है तो आसान लेकिन थोड़ी मेहनत है क्योंकि हर चीज़ हल्की आंच पे बनती है और फिर उसको फेंटा बहुत मारना पड़ता है फिर जाके वो चीज़ बनती है। इसको छोड़ दें थोड़ी देर हवा लगेगी फिर इसको मिक्स करें जब ये बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में यानी कि डो की फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम इसको दे देंगे आस्ता आस्ता डो की फॉर्म से शुरू करें। सही जी हम इसको ठंडा करते हैं और फिर हम आपको देखें हमने इतना इसको किया है कि फर्स्ट क्लास हो गया है। कहीं भी अब इसको हाथ को रोक लेंगे इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो छोड़ेंगे तो फिर ये बहुत सख्त हो जाएगा बेकार हो जाएगा आपका डोर नहीं बन पाएगा। जब ये ऐसे ही शक्कर इख्तियार कर ले डोर में तो फिर हमने इसको ये देखें ये कॉर्न फ्लोर मारा नीचे तकरीबन 2 टेबल स्पून हमारा जाएगा जितना डार्क होगा उतना अच्छा लगेगा।
इन चीज़ों में थोड़ा तेज़ी तेज़ी में करना पड़ता है, मुझे ये वो चीज़ नहीं बनती जो जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये जान पड़ेगा, इसे छोड़ के लिए ये आ गया हमारा सूखा दूध तकरीबन 1 टेबल स्पून आ रहा है। अब देखिए लोग छोटा छोटा करके बनाते हैं, हम एक साथ बनाएंगे बड़ा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। ये आगे हमारे हल्का सा हम पानी लेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी ले लें। क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा तो फिर मुश्किल होती है, पंखा बंद करना, उसको गर्म गर्म में करना है। ये 400 में हो गया हमारा, इसको हम करेंगे इसको गर्म हो गया हम।
एक हाथ से पकड़ना, एक हाथ से इसको इसको भी दुबारा था, तो सख्त हो गया थोड़ा, बनाएंगे तो नरम। अगर ऐसे सख्त हो जाए तो घबराना नहीं है, आप उसको मल लेना। एक डिजाइन ये होता है, एक डिजाइन हम इससे थोड़ा पतला करेंगे। चारों तरफ हल्का सा कोण खोलो, कोण खोलो, ज़्यादा नहीं ना आएगा नहीं तो सख्त हो जाएगा। ये पट्टी बिल्कुल बारीक, एक साइड से पकड़े ऐसे को, इसको दबाया और फिर उसको अगर हम दोबारा करना चाहें तो इसको दोबारा कर सकते हैं। ये देखें, ऐसा हो जाए तो आपने इसको दोबारा करना, तो खूबसूरती आएगी ना। ये इसमें क्या, थोड़ा सा आपको गरम गरम करना है इसको, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। ठंडा हो गया तो फिर ये होगा नहीं। करने के बाद
जितनी पतली इसके ऊपर ये देंगी उतनी खूबसूरत लगेगा। ये हो गया, इसको इसी की तरह ये ठंडा भी हो चुका है फर्स्ट क्लास। हम इसको काटेंगे, ये जो है इसको हम बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। इसको हल्का सा भून लो, कैसे उठाया इसी के साइज का ये। देखिए ये हमारा रोल तैयार है। लेके आए हमारा चॉकलेट रोल बर्फी तैयार है, अब आपने बनानी है और खानी है, बहुत ही मज़े की और बेहतरीन। इसके साथ ही आपने हमारे चैनल पे आना है किंग शेफ शाही जट जी पाकिस्तान, उसको सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें 0315000499 0315000499। इसके साथ ही पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान।